हेलो गाइज, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सेंट्रॉयड निकालेंगे टी सेक्शन का और आई सेक्शन का। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था बेसिक्स क्या होता है सेंट्रॉयड के, अब इस वीडियो में उसके एग्जांपल्स एप्लीकेशन देखेंगे कैसे यूज होता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा सेंट्रॉयड कैसे निकलता है। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस टी सेक्शन का हमें एंड्रॉयड सेंट्रॉयड निकालने बोला है। फाइंड सेंट्रॉयड ऑफ टी सेक्शन ऑल डायमेंशंस इन मिलीमीटर, सारे मिलीमीटर में है, ये सारे डायमेंशन दे रखे हैं और ऐसा फिगर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको बताया था कंपोजिट एरिया का कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे ताकि हमारा सिमेट्रिकल फिगर में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे टी सेक्शन है तो ईजी है, यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये हमारा एक रेक्टेंगल आ गया, ये हमारा एक नया रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, हमने क्यों डिवाइड किया आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने बताया है कंपोजिट एरिया का सबसे ईजीएस्ट मेथड यही है डिवाइड करके निकालने का। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम है, हमने इसको डिवाइड कर लिया, अब सबसे पहला काम है कि इसको आपको रिफरेंस क्या है, आप किसके अबाउट निकाल रहे हो। जो आपको जैसे कि आप यहाँ पे ओरिजिन ले सकते हो, यहाँ पे भी ओरिजिन ले सकते हो, यहाँ पे भी ओरिजिन ले सकते हो, किस पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हो। अब पॉइंट पॉइंट किस पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हो, इससे ये नहीं फर्क पड़ेगा कि आपका सेंट्रॉयड चेंज हो जाएगा, नहीं, सेंट्रॉयड जो इस सेक्शन है का है वहीं रहेगा जहाँ पे है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो आप अगर यहाँ पे ओरिजिन लेके सॉल्व करोगे तो भी सेंट्रॉयड यहीं पे ही आएगा, यहाँ पे लेके करोगे तो भी सेंट्रॉयड यहाँ यहीं पे आएगा। अगर आप फर्क कहाँ पे पड़ेगा, अगर आप ओरिजिन यहाँ ले लिए, अब मान लीजिए सेंट्रॉयड यहाँ आ रहा है तो ये निगेटिव में आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, और यही आप यहाँ पर ले करके बनाओगे तो आपका हो जाएगा सेंट्रॉयड पॉजिटिव एक्स एंड वाई। तो बस यही फ़र्क पड़ता है, तो आपको डिपेंड करता है कि आप कहाँ के अबाउट निकाल रहे हो, किस पॉइंट के अबाउट। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ ओरिजिन लेके बनाइए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए वहाँ पे। तो ठीक है, इसका हम फाइंड करते हैं जब सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड का फॉर्मूला हमने आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में, कैसे होता है फॉर्मूला एक्स बार का। ये फॉर्मूला होता है a1 x1 प्लस a2, यहाँ पे एरिया हम बांट लेते हैं, एरिया वन है, a2 है, a2 x2, a1 प्लस a2 टोटल एरिया, और ये वहीं पे वाई बार हो जाता है, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन में टोटल एरिया a1 प्लस a2। ये फॉर्मूला हम यूज करके बहुत ही आसानी से इसका निकाल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने ओरिजिन सेट कर ली, सपोज इट कि मैं इस ओरिजिन के अबाउट निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, ये तो एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब इंडिविजुअल फिगर्स है ना, उसके सेंट्रॉयड अब देख लो कहाँ पे आता है। तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये रहा और यहाँ पे है, तो सेंट्रॉयड कहीं यहाँ पे लाई करेगा। आपको बताया था मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहाँ पे कट करती है एक फिगर की, वहाँ पे सेंट्रॉयड लाई करता है, और ज्योमेट्रिक सेंटर पे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको पता होगा कि पिछली वीडियो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्या होता है डिफरेंट फिगर के साथ, अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो आप देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा क्या है। तो ठीक है, इसका यहाँ पे आ गया, तो हम इसको कोऑर्डिनेट 2 है तो x2 y2 ये हो गया, और इस फिगर का कहीं पे इसके हाफ डिस्टेंस पे और AT का हाफ डिस्टेंस 40 एंड 20 कहीं यहाँ पे आएगा सेंट्रॉयड इस फिगर का, इंडिविजुअल फिगर का। x1 y1 ले लिया, ठीक है, x1 y1 ले लिया। अब देखते हैं, अब फॉर्मूला के सहारे हम लोग सेंट्रॉयड फाइंड करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, दोनों एरिया, एरिया वन, लेंथ कितना है 80 और ब्रेथ कितना है 20, ये आएगा 1600 मिलीमीटर स्क्वायर, डायमेंशन मिलीमीटर में दे रखा है यहाँ पे। और एरिया टू क्या हो जाएगा 20, और ये हाफ है 40, तो ये 40, ये भी हो जाएगा 80 इंटू 20,
1600 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करते हैं क्या होगा। एक्स बार फॉर्मूला a1x1 प्लस a2x2 फोन में a1 प्लस a2। अब इसका पता देखते हैं, एरिया तो हमें पता है। अब यहाँ पे देखता हूँ इसका x1 कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ओरिजिन है और ये 80 से हाफ डिस्टेंस पे है x1, तो ये हमारा 80 का हाफ 40 हो जाएगा, x1 40 क्योंकि इसी पे लाई कर रहा है। तो जीरो सॉरी एरिया वन कितना है, 1600 इंटू x1 क्या है, हो गया इसी पे लाई कर रहा है x1 एक्सिस पे ही, वाई पे x1 हो गया 0, प्लस एरिया टू पता है हमें 1600। x2 का वैल्यू क्या होगा, x2 भी इसी पे लाई कर रहा है, तो x2 भी 0 हो गया। अब वन में a1 प्लस a2, तो 1600 प्लस 1600 कितना हो जाएगा, सारा 0 हो गया, ये तो 0 अपन में 0 0। एक्स बार हमारा 0 आ गया। अब वाई बार फाइंड करते हैं, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन में टोटल एरिया a1 प्लस a2। अब देखते हैं a1 तो आपको पता है 1600 है, y1 फाइंड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होगे यहीं पे है एक्सिस जो है, तो y1 ये रहा 40, हाफ है x y1, यहाँ से ये ओरिजिन है हमारा, अभी 80 है और हाफ पे लाई करता है, तो 40 प्लस a2 कितना हो गया, 1600 ही है, 1600 ही है इंटू y2 क्या होगा बताओ, देखो जरा यहाँ पे y2 क्या होगा, ये 80 है और इसका हाफ 20 का हाफ, तो 80 और 10 90 पॉजिटिव में, तो 90 हो गया, 90 अपॉन में 1600 3200 डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये हमारे क्या आता है देख लेता हूँ मैं करके, एलसीएम है मेरे पास 1600 × 40 प्लस 1600 × 90 डिवाइडेड बाई 32, 65 आया वाई बार आ गया हमारा 65। वाई बार हो गया, कैलकुलेट करोगे तो वाई बार 65 mm में आएगा। ये रहा सेंट्रॉइड इसका, टी सेक्शन का। अगर आप रेफरेंस, अब मैं समझा देता हूँ रेफरेंस चेंज करने से क्या होता है। तो हमने वाई बार हमारा आ गया 65, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक्स बार हमारा था 0, वाई बार आया था 65 mm। तो इसको लोकेट करते हैं कहाँ पे होगा सेंट्रॉइड, हमारा ओरिजिन यहाँ पे है, एक्स तो 0 है तो इसी लाइन पे ही होगा, और वैसे भी आपको पहले से पता है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है टी सेक्शन का, ये जो है सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री टी सेक्शन का, ये तो आपको पहले से ही पता था कि यहाँ पे लाई करेगा, इसमें कोई सरप्राइज की बात है नहीं। एक्स 0 होना था अगर यहाँ पे है, क्योंकि इसी पे लाई करेगा, आपको मैंने वीडियो में बता रखा है कि अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उसी पे लाई करेगा, अगर 2 है तो उसके इंटरसेक्शन पे लाई करेगा। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री 1 था, तो हमें पता था कि x2 और x कहाँ पे होगा, x2 नहीं x कहाँ पे होगा, तो इस पे। और y अगर 65 आया है तो देखते हैं कहाँ पे आएगा, ये हमारा है 0, ये यहाँ पे है हमारा 40 और यहाँ पे है 80, तो 65 हमारा कहीं यहाँ कहीं पे आ जाएगा रफली, ये हमारा हो गया 65 mm। तो ये क्या है हमारा x0 and 65 है, ये यहाँ पे हमारा है सेंट्रॉइड यहाँ पे है हमारा, ये हमारा आ गया सेंट्रॉइड। अब देखो अगर आप ओरिजिन चेंज कर देते
ओरिजिन चेंज कर देते तो क्या होता? मान लो आप यहाँ पे ओरिजिन ले लेते, यहाँ पे नहीं ले करके, तो वाई बार तो चेंज नहीं हो रहा था, वाई में तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। बस क्या हो जाएगा, अगर ओरिजिन यहाँ पे ले लोगे तो इस पॉइंट को ओरिजिन अगर ले लो आप, इस पॉइंट को ओरिजिन ले लो, वो पहले यहाँ पे था, यहाँ पे ले लो, अभी क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा। ए ओ हो गया, आपको पता है वाई तो चेंज हो नहीं रहा है, बस यहाँ पे है ये पॉइंट, तो बस एक्स बार थोड़ा सा 0 से शिफ्ट हो गया 10 पर, तो अब हमारा ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसके रेफरेंस में ये हमारा सेंट्रोइड कहाँ पे आ जाएगा? सेंट्रोइड इसके अबाउट, ओ डैश के अबाउट, सेंट्रोइड अबाउट ओ डैश क्या आ जाएगा? 10, ये 20 है तो ये हाफ, 10 एंड 65, ये रहा आपका सेंट्रोइड। तो रेफरेंस का बस ये फ़र्क पड़ता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आई सेक्शन का मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं नहीं चाह रहा हूँ, और मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना अगर आपको देखना हो तो। उम्मीद है आपको सेंट्रोइड क्लियर हो गया होगा कैसे निकालना है, और जिन्हें नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप बेसिक्स आपका नहीं होगा, तो बेसिक्स का मैंने वीडियो पहले बना रखा है, आप उसको देख लेना, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ा कोई बात है नहीं सेंट्रोइड निकालने में, आप बस वो पूरा वीडियो देख लेना, एक एक पार्ट उसका देखना, कोई भी सेकंड छोड़ना मत, पूरा का पूरा सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सब ठीक है आपके यहाँ, और मैं भी आपसे विदा लेता हूँ अभी फ़िलहाल, धन्यवाद, पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, और नहीं आया तो डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो टाटा बाय बाय।